है, छोले भटूरे या परौठे। होटल से कर रहे चेक आउट, तो नितिका ने लिया है बर्गर। ये वाली वो है ट्रेन की। व्लॉग नहीं बनाने दिए, दही पहले ही खोल लिया। नितिका को खुश देख के आप समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ है। अम्बाला स्टेशन पे तो एक बहुत सही सीन हुआ है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग्स। तो आपने देखा है कि हम मसाज करा रहे थे, उसके बाद मेरा ना फोन स्विच ऑफ हो गया। तो मैं चाहता तो नितिका के फोन से ही व्लॉग कर सकता था, पर बारिश बहुत आ रही थी और उसका फोन वाटरप्रूफ है नहीं, कहीं फोन ही खराब हो जाता। तो हमने ज्यादा कुछ किया नहीं, मतलब जैसे ही चढ़ाई उतरे उसके बाद हम होटल आए। होटल आते ऐसे सोए, हमने ना डिनर किया ना कुछ, और अब उठे हैं हम। रात को 8:30 बजे या 9 बजे मैक्सिमम सो गए थे और अभी 10:30 हो रहे हैं, तो अब हमें बहुत तेज भूख लग रही थी तो हमारी नींद खुल गई। हेलो बाबू, पैरों में हो रहा है बहुत दर्द, भयानक वाला भयानक। और आप देख रहे होगे कि हमारा रूम भी पिछले वाले रूम से चेंज है। उसका रीजन ये है, जो पहले वाला रूम था ना उसमें थोड़ी कंस्ट्रक्शन वगैरह होनी थी। हम जैसी भवन से वापस आए तो स्टाफ ने हमारा रूम चेंज करके ये बहुत अच्छा सा रूम दे दिया, उससे तो बहुत ज्यादा बेटर है। तो चलो फिर चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। तो गाइस, ब्रेकफास्ट में दो ही चीजें होती है, या छोले भटूरे या परौठे। छोले भटूरे हमने कल ही खाए थे, इसलिए अभी हम खा रहे हैं गोभी के परौठे, और परौठों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री दही मिला। पर हमने चाय पीनी है क्योंकि थकान है ना जो, वो चाय से दूर होगी। तो चलो खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना। सो गाइस, खा पी के हम आए थे कटरा मार्केट और हमने थोड़ी बोड़ी शॉपिंग कर लिया। शॉपिंग क्या, यही पीछे पड़ी थी, एक एक दो दो चीजें ले लो सबके लिए। मैंने तो अपने लिए कुछ खास लिया नहीं, मतलब कुछ खास क्या लिया, कुछ नहीं। व्यू दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। सो गाइस, वैसे तो हम वहीं से होके आए हैं कल, पर यहाँ से आप व्यू देखो, बादल कितनी नीचे आ चुके हैं, हम छू के आए इन बादलों को। सो गाइस, हम होटल से कर रहे हैं चेक आउट और अब जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, वहाँ पे कुछ लंच वगैरह करेंगे। भूख तो बहुत तेज लग रही है और 3 बजे की ट्रेन है, 2 बज गए हैं, पास में ही है स्टेशन, तो चलो चलते हैं। अपनी गाड़ी आ गई है, ये हमें रेलवे स्टेशन ड्रॉप करेंगे। सो गाइस, हम फाइनली स्टेशन पहुँच गए हैं और आई थिंक हम 45 मिनट पहले ही पहुँच गए। तो पता नहीं इतनी देर तक हम क्या करने वाले हैं, पर टाइम तो पास करना ही है। तो ट्रेन में बैठने से पहले हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, तो देखते हैं नितिका क्या ले रही है। तो नितिका ने लिया है बर्गर, नॉर्मल वेज बर्गर जो है, और साथ में कोल्ड कॉफी। तो मैंने भी सिर्फ कोल्ड कॉफी लिया है, मेरे से कुछ खाया नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो मैंने कहा पी ले तो वही सही है। सो गाइस, अपनी ट्रेन आ गई है वंदे भारत। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन टिल नाउ। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू आर रिचुअल्स, मतलब जो भी है, मम्मी ने बोला था कि नितिका को 1 ईयर तक फुल ब्लैक नहीं पहनना, या तो टी शर्ट पहन ले या फिर पैंट्स ब्लैक होती है वो पहन ले, आफ्टर 1 ईयर फुल ब्लैक पहन सकते हो। सो कल हमारी क्या थी, एनिवर्सरी, और आज है 3rd, मतलब एक दिन भी नहीं हुआ और इसने पूरा ब्लैक पहन लिया। इससे रुका नहीं जा रहा था पूरे 1 साल तक, पता नहीं कैसे रुकी है। मैं गाइस कैसे रुकी हुई, वार्डरोब में कुछ भी ब्लैक नहीं था एंड नाउ पूरा वार्डरोब ब्लैक होने वाला है। सो हैप्पी, मैं एनिवर्सरी से ज्यादा आज खुश हूँ क्योंकि मैंने ब्लैक वेयर किया है पूरा। अगर आप सब में से भी किसी ने ऐसा एक्सपीरियंस किया तो कमेंट में जरूर बताना। तो गाइस, मुझे पता ही था यहाँ पे इवनिंग स्नैक्स मिलने हैं, तो पहले सैनिटाइज करते हैं उसके बाद दिखाते हैं आपको इवनिंग स्नैक्स क्या क्या है। तो इसलिए भी मैंने बाहर से कुछ नहीं खाया था, और नितिका ने जो बर्गर लिया था ना उसको वापस कर दिया था क्योंकि उसकी टिक्की बहुत गंदी थी, मतलब शायद पुरानी थी, और मैंने भी टेस्ट किया था तो सच में बहुत पुरानी टिक्की थी। सो जब भी ट्रेन में कुछ खाना वगैरह आता है ना, उससे पहले हमें मिलता है सैनिटाइजर, जो कि एक बेस्ट चीज है। हमने सैनिटाइज कर लिया अपना हाथ। सो नितिका को ये चीज ना बहुत इम्प्रेसिव लगी, इसीलिए ये वाला जो सैनिटाइजर है उसका आप क्या करेंगी, ये जा रहा है मेरे बैग के अंदर, कह रही है मैं घर लेके जाऊंगी सबको दिखाना है। ऑल्सो गाइस, पारस ने मुझे एनिवर्सरी पे ये इतना प्यारा सा बैग गिफ्ट किया है। लूट लिया। तो स्नैक्स में दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है। पहले तो ये पॉपकॉर्न है, दिस इज जूस, और ये है सैंडविच, इसके अंदर देखते ही क्या है। बाकी चाय मिली थी पर हमने ले ली कॉफी, क्योंकि चाय बहुत बेकार है, कोई भी आओ ना चाय मत पीना, तो कॉफी भी पी के देखते हैं कैसी होगी। बाबू सुनो, इसमें दिखाना क्या है, मैं अपना नहीं खोल रहा क्योंकि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ ना। इसमें है गाइस कचौड़ी। कचौड़ी यार, आलू तो दिए ही नहीं है। चाय के साथ होती है कचौड़ी, आलू के साथ होती है कचौड़ी, नहीं चाय के साथ। और ये पॉपकॉर्न भी दिए जो मैंने आज तक ट्राई नहीं किए यार, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूं। हां ये तो मैंने भी नहीं खाए, पर कैरमल पॉपकॉर्न है या चॉकलेट बनी हुई गंदे से तो नहीं होंगे। आप उन्हें खाया है नहीं पहले गंदे से, चलो ट्राई करते हैं ना, समथिंग न्यू। तो गाइस, हम ना बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे और हमारे पास एक ट्रेन की ऐप है, ये वाली वो ऐप है ट्रेन की। इसमें ऐसा था कि आपको कुछ खाना होना तो वो अभी ऑर्डर कर दो और जब ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी ना तो वो आपको मिल जाएगा। तो हमने सोचा कि ऐसा होगा या नहीं होगा,
तो हमने ट्राई किया। ट्रेन जो है ना वो 8:48 पे अम्बाला स्टेशन रुकेगी। तो हमने ना डोमिनोज पिज्जा पे ऑर्डर किया है, ये देखो ऑर्डर आईडी भी है और ये कंफर्म भी कर दिया उन्होंने। लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है, जो भी होगा जरूर शेयर करेंगे। गाइस हम बाला जंक्शन पे पार्लर से मंगाया था पिज्जा और उससे पहले ही आ गया हमारा डिनर। मैं दिखाती हूँ कि डिनर में क्या क्या है। भाई व्लॉग नहीं बनाने दिया, दही पहले ही खोल लिया। तो ये है मिक्स वेज, इसमें है चावल, क्या है किशमिश, मैं खाऊंगा फेंक दी, गिर गई पागल, सॉरी किशमिश फेंक दी, चावल चेंज करा, गिर गई। और अब इसका कुछ अत्याचार मत करना ठीक है, इसमें तो दाल ही लग रही है मुझे। कुछ ना कुछ तो कर रही है ये दाल। भाई साहब क्या हो यार, आप बस दाल दिखाओ दो, शायद इसमें कुछ पंगा ना हो। प्लेट ही गिरने वाली है। ओ भाई क्या करते हो यार, इसमें है शाही पनीर नहीं मटर पनीर, मटर दिखा ना पहले तो पनीर ही दिखा, और यहाँ पे है रोटी और अचार, रोटी परौंठी, आए खुश हो गए परौंठी खाओगे। फिर गाइस खाते हैं, उसके बाद आपको रिव्यू देते हैं कैसा है कैसा नहीं है। ये बीमार फील कर रही थी रोटी देखते तो मेरे को तो मेन पिज्जा का वेट है अपने, चलो ये भी थोड़ा सा खा लेते। ये मेरे को बोलता है ना कि मेरी हरकतें कैसी है खुद की देख लो, आधी रोटी खा के चुप आधी रोटी खा के कह रहे मैं सैनिटाइज करना भूल गया, देख लो अब इसको देख लो। अरे नहीं खाई, अरे जाओ ना, मैंने कहा कि चलो व्लॉग में जरा तुम्हें भी तो दिखाऊं कि क्या हरकतें करते हो, अभी ये सैनिटाइज करके रोटी खाएगा, मैं मना भी कर रही हूँ कि मत करो ऐसे। आफ्टर हैविंग डिनर वी गॉट सम आइसक्रीम्स दोनों के लिए, नितिका को तो बहुत पसंद है इसकी, तो भाई शक्ल देखते झूठी पसंद नहीं है, एक इंसान को नहीं पसंद तो क्यों खाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी है यहाँ पे, हम ठंड से गर्मी में आ गए। ओह माय गॉड, सो नितिका को खुश देख के आप समझ ही गए होंगे कि क्या हुआ है, हमारा ऑर्डर आ गया है डोमिनोज से। हमने क्या मैं बताती भैया, पता कैसे मतलब ना अम्बाला में ना 2 मिनट सिर्फ ट्रेन खड़ी होती है, भैया ऐसे करो पिज्जा दे रहा पैसे दे रहा और ऐसे ऐसे उड़ा पकड़ो बड़ा मस्त सीन हुआ है देखने वाला। सो हमने ऑर्डर किया था पिज्जा गार्लिक ब्रेड और ये जिंगी पार्सल और एक पेप्सी। सो अभी जब मैं पिज्जा लेने बाहर गया था ना, जब स्टेशन पे रुकी थी अम्बाला स्टेशन पे, तो एक बहुत सही सीन हुआ है, अभी दिखाते हैं। आप बताओ क्या हुआ। ये मेरे फूफा जी थे, ये भाग गए और ट्रेन फटाफट से आगे भाग गई। अच्छा तो अंकल जी अम्बाला स्टेशन पे रह गए थे, आप बताओ कैसा एक्सपीरियंस था, आप कैसे चढ़ पाए। अच्छा नहीं भैया, भैया गए, भैया नहीं रुक पाए, बाहर से गया हूँ। अच्छा वेटर ने बोला था कि आगे चले जाओ, दिल का क्या था आपने, पैसेंजर ट्रेन पकड़ लेते हो एक बार दिल्ली के लिए, नहीं भैया भागे थे बहुत। सो गाइस फाइनली रीच दिल्ली और बहुत अच्छा लगता है, मतलब कहीं से आओ और अपनी जगह पे आओ, अभी घर जाएंगे तो थोड़ी और खुशी मिलेगी। देखते हैं कैब या ऑटो जो मिलता है वो करते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा थके हुए हैं, वेट तो होने से रहा उबर ऑटो का, क्योंकि मैंने उबर करके देखी तो 10 मिनट लग रहे हैं, इतना तो वेट हो नहीं पाएगा, चलो लेट्स सी क्या मिलता है। तो गाइस हमने ऑटो ही कर लिया था, क्योंकि कैब तो आने में 10-15 मिनट लगा रही थी, और अगर और ज्यादा वेट करते तो शायद 20 मिनट भी लग सकते थे, तो हमने कहा ज्यादा रुकना नहीं है तो ऑटो किया फटाफट। और अब तो हम मायापुरी पहुंच भी गए हैं, तो और 2-3 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक, हैप्पी एनिवर्सरी, जय गुरु जी पापा। वापस आ चुके हैं, हैप्पी एनिवर्सरी गाइस, थैंक यू। ये तो भाई एकदम ये तो अलग ही था, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। सो ये सारा प्लान आज गुरगू की वजह से हुआ है। ये मेरे को कह रहे हैं बता देना, कॉल कर देना पहुंच के, पापा को फोन मत करना। सुनो पापा ने आपको बोला ना कि आगे वाली साइड से आना, और गुगु ने बोला कि कहाँ पहुंचे हो, दिस वाज ऑल प्लान्ड। तो अच्छा लगा आपको? तो गाइस देखा आपने, मतलब बहुत अजीब, मतलब अलग सा था, हमें पता ही नहीं था। तो मानसी को पता भी होगा कि ये व्लॉग नहीं बना रहे होंगे, थके हुए आए होंगे, तो उसने अपने फोन से व्लॉग बना लिया, बट सच में मजा आ गया गुगु, मजा आ गया। चलो अब केक कट करते हैं, केक भी बहुत अच्छा है। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू गाइस, हम पोस्ट सेलिब्रेट कर रहे हैं।
Ooh.